हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। सबसे डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना। एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो चीजें आपको आसान लगने लगती है, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है जो आप नहीं बोल पाते हैं और इसीलिए आप हिचकिचाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं और आप अपने आप से वादा करिए कि इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे ध्यान से, दिल से, और जब मौका मिलेगा बोलेंगे, आज ही से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज। इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं है, किसी काम को करने में कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल्स देखिए आपके सामने है, इट्स नो यूज गोइंग देयर, कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। इट्स नो यूज सेइंग सॉरी, सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज कॉलिंग हिम, उसे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। या फिर इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। आप ये नोट कर रहे हैं कि जिस भी काम को करने का कोई फायदा नहीं है उस काम की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है और यही काम आपको करना है। तो जब भी आपको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बोलने की जरूरत पड़े कि कोई फायदा नहीं है किसी काम को करने से, इस फॉर्मेशन का आप यूज करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर टू, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प। आपको लगेगा कि इसका मतलब है मैं मदद नहीं कर सकता, मैं हेल्प नहीं कर सकता। हां ये मतलब तो है, लेकिन आई कांट हेल्प इसके बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर लिया जाए तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। क्या मतलब होता है आई कांट हेल्प का? अनेबल टू कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, यह कंट्रोल नहीं कर सकता। अनेबल टू कंट्रोल, कंट्रोल करने में असमर्थ होना। कैसा सेंटेंस हो सकता है? जैसे कि सेंटेंस देखिए, आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज। इस सेंटेंस को बोलने की जरूरत कब पड़ सकती है? मान लीजिए आप मेरे सामने एप्पल्स रखते हैं, ग्रेप्स रखते हैं, मैं उस वक्त कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरे सामने मैंगोज रखते हैं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं मैंगोज बहुत पसंद करता हूं। आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज, यानी मैं मैंगोज खाने से, आम खाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं या रोक नहीं सकता। ही कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू, वो अपने आप को ना आपके बारे में सोचने से रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। यू कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, आप अपने आप को रोक नहीं सकते, यानी आप अपने आप को रोकने में असमर्थ हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने आप को रोक नहीं सकते उसके जोक्स पर हंसने से। आई कांट हेल्प कॉलिंग यू एवरी डे, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता आपको रोज कॉल करने से। तो जिस भी काम को करने से रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं है, उस काम की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी मैं एलआईसी ऑफिस जाता हूं मैं अपने आप को शर्मा जी से बात करने से नहीं रोक पाता। शर्मा जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि मैं उनसे बात जरूर करता हूं। इस बात को कहना चाहता हूं मैं, जब भी मैं एलआईसी ऑफिस जाता हूं, जब भी व्हेनेवर मैं जाता हूं, आई गो टू, कहां जाता हूं? एलआईसी ऑफिस, आई गो टू एलआईसी ऑफिस, आई कांट हेल्प, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं टॉकिंग टू शर्मा जी या मिस्टर शर्मा। देखिए कितना इजीली इस सेंटेंस को मैं बना पाया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में पता है, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू मिस्टर शर्मा। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, आई कांट हेल्प, इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं या मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। लेकिन पास्ट में, अगर पास्ट में हम बात करें, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया या रोक नहीं सका, ऐसे में आप कैन की जगह पे सिंपली कुड का यूज कर लेंगे तो सेंस निकल के आ जाएगा। आई कुडंट हेल्प ईटिंग मैंगोज, मैं अपने आप को मैंगोज खाने से रोक नहीं सका या रोक नहीं पाया। ही कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू,
वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं सका या रोक नहीं पाया। यू कुडंट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, आप अपने आप को उसके जोक्स पर हंसने से नहीं रोक पाए। आई कुडंट हेल्प कॉलिंग एवरी डे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपको रोज कॉल करने से। तो कुल मिलाकर कांट का यूज करते हैं प्रेजेंट में और कुडंट का यूज करते हैं पास्ट में। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 3, आई एम गुड एट। आई एम गुड एट का यूज आप कब करते हैं? जब आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि आप किसी काम को करने में अच्छे हैं या किसी चीज में अच्छे हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं अच्छा हूं किसमें? ड्राइविंग में, यानी मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूं। अगर मैं कह दूं आई एम गुड एट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने में अच्छा हूं। आई एम गुड एट क्लीनिंग द हाउस, मैं घर को साफ करने में अच्छा हूं। तो जो भी आपकी नीड है आप वैसे कह सकते हैं। आई की जगह पे शी ही दे वी यू, जो भी आप यूज करना चाहें, या किसी व्यक्ति का नाम भी आप यूज कर सकते हैं। राहुल इज गुड एट ड्राइविंग, राहुल ड्राइविंग में अच्छा है। शी इज गुड एट राइटिंग ब्लॉग्स, वो अच्छी है किस काम में? जो भी काम की बात हो रही है उस काम के साथ आप देख रहे हैं आईएनजी का यूज कर रहे हैं आप। यहां पर ये काम नहीं है इसलिए आईएनजी का यूज नहीं किया, यहां पर काम है इसलिए आईएनजी का यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, शी इज गुड एट राइटिंग ब्लॉग्स, वो अच्छी है क्या लिखने में? ब्लॉग्स लिखने में। ही वॉज, अब यहां पर देखिए पास्ट में बात हो रही है, वो था अच्छा किस चीज में? इंग्लिश बोलने में। ही वॉज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, दे वर गुड एट मैथ्स, वे थे अच्छे किसमें? किसी काम को करने में क्या? नहीं नहीं किसी काम को करने में नहीं बल्कि किसी चीज में। कौन सी चीज है वो? मैथ्स, मैथमेटिक्स। ये तो एक सब्जेक्ट का नाम है, एक नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है जिसके साथ आई एन जी का आप यूज करेंगे। तो एज इट इज आप कहते हैं दे वर गुड एट मैथ्स। वी वर गुड एट डांस, हम अच्छे थे किसमें? नृत्य कला में। डांस का मतलब होता है नाचने की कला। डांस को अगर आप एज अ नाउन देखें, एज अ नाउन, तो इसका मतलब होगा नृत्य कला, नाचने की कला, जैसे मॉडर्न डांस, ट्रेडिशनल डांस। और एज अ वर्ब अगर आप इसे लें कि हम नाचने में, नाच करने में, डांस करने में, तो यहां पर आप कहेंगे वी वर गुड एट डांसिंग। तो यहां पर आप डांस भी कह सकते हैं, डांसिंग भी कह सकते हैं। डांस कहेंगे तो एज अ नाउन यूज होगा, इसका मतलब होगा नृत्य कला, और डांस के साथ आई एनजी लगाएंगे क्योंकि डांस को अगर आप एज अ वर्ब यूज करेंगे तो यहां पर आई एनजी लगाएंगे और इसका मतलब होगा नाचना। हम नृत्य कला में अच्छे थे इस सेंस में, हम नाचने में अच्छे थे यानी डांस करने में अच्छे थे इस सेंस में। तो आप डांस के साथ आई एनजी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये यूज के ऊपर है। फिलहाल यहां पर हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आप ये समझ लीजिए हम अच्छे थे या तो किसी चीज में या किसी काम को करने में। यू आर गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आप अच्छे हैं क्या करने में? क्रिकेट खेलने में। अब यहां पर खेलना, खेलने के काम को करना क्रिया है ना, इसलिए आपने आई एन जी का यूज किया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ तो गड़बड़ है यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब है। कुछ तो प्रॉब्लम है किसमें? योर पेन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पेन, आपके पेन में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मोबाइल, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय कार, मेरी कार में कुछ तो दिक्कत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज फादर, उसके पापा के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फिंगर, मेरी उंगली में कुछ तो प्रॉब्लम है। मान लो पेन हो रहा है तो मैं कहता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फिंगर, कुछ तो हुआ है इसमें। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मूड, आपका मूड आज ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है आपके मूड में, इस सेंस में आप सेंटेंस को बोलते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राहुल, आज राहुल को क्या हो गया, कुछ अलग अलग सा लग रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राहुल, राहुल के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वॉच, इस घड़ी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आपके साथ कुछ गड़बड़ है यानी आज आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग से लग रहे हो आप। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान, इस प्लान में कुछ गड़बड़ है। और अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो क्या करेंगे आप?
समथिंग की जगह आप क्या यूज कर लेंगे? नथिंग. देर इज नथिंग रॉन्ग विद योर पेन. आपके पेन में कोई दिक्कत नहीं है. देर इज नथिंग रॉन्ग विद माई फिंगर. मेरी उंगली में कोई दिक्कत नहीं है. देर इज नथिंग रॉन्ग विद राहुल. राहुल के साथ कोई दिक्कत नहीं है. तो जब आपको कहना है कि दिक्कत है तो समथिंग रॉन्ग, या फिर नहीं है, नहीं है के लिए नथिंग रॉन्ग. सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5, इट्स नथिंग बट डॉट 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 डॉट. इट्स नथिंग बट. इट्स किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज का. तो इट इज की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? इट्स. इट्स नथिंग बट, ये कुछ और नहीं बल्कि, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एक पेन है. इट्स नथिंग बट अ पेन. ये कुछ और नहीं बल्कि एक पेन है. इट्स नथिंग बट एन एनिमल्स वॉइस. ये कुछ और नहीं बल्कि एक जानवर की आवाज है. इट्स नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम. ये कुछ और नहीं बल्कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, यानी टाइम का व्यर्थ होना है, वेस्टेज है. इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. ये कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए. इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू. ये कुछ और नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए. तो इस तरह से सेंटेंस में देखिए इसका सेंस क्या है. ये कुछ और नहीं बल्कि, इट्स नथिंग बट अ सिली मिस्टेक. ये कुछ और नहीं बल्कि एक बेवकूफी भरी गलती है. इट्स नथिंग बट अ डाइसी सिचुएशन. डाइसी मतलब जिसमें कंफ्यूजन होता है, अनप्रिडिक्टेबल. इट्स नथिंग बट अ डाइसी सिचुएशन. ये कुछ और नहीं बल्कि एक डाइसी सिचुएशन है. कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इट्स नथिंग बट अ वार्निंग टू अस. ये कुछ और नहीं बल्कि एक वार्निंग है हमारे को ना, हमें एक वार्निंग दी गई है. इट्स नथिंग बट अ नॉनसेंस डिस्कशन. ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एक फालतू का डिस्कशन है. नॉनसेंस यानी बेफजूल का, फालतू का डिस्कशन. इट्स नथिंग बट योर नेग्लिजेंस. ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? आपकी लापरवाही है. नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही. तो यहां पर मैंने 5 स्ट्रक्चर्स आज आपके सामने रखे हैं. अब देखिए एक पोस्ट मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं. इस पोस्ट को मैंने आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है. मैं ये चाहता हूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आज देख चुके हैं, इन 5 सेंटेंसेस को जो इस पोस्ट में मैंने आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए हुए ना, इनको ट्रांसलेट करके आप कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा. मैं एक एक कॉमेंट को चेक करने वाला हूं और रिप्लाई करने वाला हूं. आज के लिए यहीं तक. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टेक केयर एंड गुड बाय. अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है.